प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना दूसरे पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। हमने अब तक पाठ बोध के अंतर्गत इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को कर दिया था और आज हमें करना है इसके अभ्यास प्रश्न। और हमने आज पाठ का ज्ञान करने के लिए पाठ के जो क्रम थे, कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी घटना बाद में घटी, उसको सही क्रम से लगाए। और यह किस लिए प्रश्न बनाए, हमने अपना पाठ पढ़ने के बाद समझा है कि नहीं। हम पाठ पे जो ये दानी पेड़ जो कहानी है, उसकी सभी घटनाओं को हमने क्रमबद्ध समझा है कि नहीं, तो हमें सही क्रम में इस कहानी को लगाना है। और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में भी दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। इन वाक्यों को सही क्रम दो। तो क्रम संख्या लिखना है, कौन पहला आया, 1 2 3 4। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, लिखते हैं। ये प्रश्न है दूसरा, इन वाक्यों को सही क्रम दो। इन वाक्यों को सही क्रम दो। कौन कौन से वाक्य हैं? कुल मिला के 6 वाक्य हैं। पहले हम वाक्यों को लिख लेते हैं और कहानी के अनुसार उसको सही क्रम देंगे। जो घटना पहले घटी है उसे पहले लिखेंगे, उसको एक क्रम देंगे, उसके बाद घटना जो घटी है उसको दूसरा क्रम, और इस तरह से 6 जो हैं, 6 वाक्यों के हमें 1 से 6 तक क्रम देने। युवक सारे फल तोड़कर ले गया, ये हमारा पहला वाक्य है। युवक सारे फल तोड़कर ले गया, ये है हमारा, हमें विभर्ग दिया हुआ, उसमें क्रम लिखना है। दूसरा है, आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई। आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई। ये हमारा दूसरा बात। तीसरा है, लड़का रोज पेड़ के पास आता। लड़का रोज पेड़ के पास लड़का रोज पेड़ के पास आता। पूर्ण विराम इसका, जो आयत है जिसमें हम क्रम संख्या लिखेंगे उसको मैं बना रहा हूं। तीसरा है, बूढ़ा आदमी खूंट पर बैठकर सुस्ताने लगा। बूढ़ा आदमी बूढ़ा आदमी खूंट पर
सुस्त आने लगा, सुस्त आने लगा, अगला है पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, उसके बाद आ जाते युवक पेड़ की शाखाएं काटकर ले गया, यह अंतिम हमारा वाक्य है, युवक पेड़ की शाखाएं काटकर ले गया, पेड़ की शाखाएं पेड़ की शाखाएं काट कर पेड़ की शाखाएं काट कर ले गया, काट कर ले गया। तो ये थे छह वाक्य, एक बार हम छह वाक्य को पढ़ लेते हैं और इनमें सबसे पहला जो घटना कौन सा था उसकी उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। कहानी आपने पढ़ी हुई है, तो युवक सारे फल तोड़ कर ले गया, ये तो युवक की बात थी, लड़के से शुरू होती थी ये कहानी, एक लड़के की और पेड़ की कहानी, तो ये तो बाद की बात है। युवक ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई, ये तो सबसे अंत में काटा था, हमें पता था सबसे पहले उसने फल तोड़े थे, फिर शाखाएँ काटी थी और उसके बाद में तना काट के नाव बनाई, ये क्रम संख्या है। और पहले सबसे पहला वाक्य है ये, लड़का रोज पेड़ के पास आता, तो कहानी उस छोटे बच्चे की है, उस लड़के की है जो पेड़ से प्यार करता था और रोज पेड़ के पास आता था, तो ये हमें पहला, इसका क्रम हमने निकाला है पहला। उसके बाद आ जाते हैं पेड़ लड़के से बहुत प्यार करता था, ये भी लड़के का है, तो लड़का रोज पेड़ के पास आता था और पेड़ लड़के से बहुत प्यार करता था, तो लड़का से प्यार करने वाला जो वाक्य है यह घटना है, दूसरे में हमने देखा है। तो हमने पहला वाला कर दिया, दूसरा वाला कर दिया, अब है, अब इसमें हम जानते हैं ये तना जो था ये अंत में काटा था, उसके बाद ये भी सबसे अंत में वो टूट पे बैठता है, तो सबसे पहला हुआ पेड़ के फल तोड़ के लेता है। सबसे पहले युवक ने क्या किया था, उसके पेड़ के फल तोड़ के बाजार में बेचे थे जब उसे पैसे की जरूरत थी, तो ये सबसे सही क्रम है। ये तीसरा क्रम, युवक सारे फल तोड़ कर ले गए, ये तीसरा हो गया हमारा। फल के बाद उसने क्या की थी, उसने शाखाएं काटी, ये हमें पता है कि फल के बाद उसने क्या की थी, शाखाएं काटकर अपना घर बनाया था, तो ये चौथा वाक्य होगा, युवक पेड़ की शाखाएं काटकर ले गया, ये घर बनाने के लिए उसने अपनी पेड़ की शाखाएं काटी थी, तो ये चौथा। और दो बच रहा है, आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई, जब वो उधेड़ उम्र का हो गया था उसे मछली पकड़ने के लिए नाव की जरूरत थी और नाव के लिए पेड़ ने अपना तना दिया था कि मेरे तने को काट लो और उसे नाव बना लो, तो ये था हमारा पांचवां वाक्य। क्रम पे देखिएगा, आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई, ये है हमारा पांचवां। और अंतिम वाला है, बूढ़ा आदमी फूट पर बैठकर सुस्ताने लगा,
ये छठा क्रम। अब एक बार हम इस क्रम को पढ़ते हैं तो हमें कहानी भी सही क्रम में लगेगी, तो एक बार देखते हैं। तो पहली घटना थी, लड़का रोज पेड़ के पास आता। पहली घटना क्या है, लड़का रोज पेड़ के पास आता था। उसके बाद पेड़ लड़के से बहुत प्यार करता था, पेड़ लड़के से बहुत प्यार करता था। दूसरी घटना है, अगर हम कहानी पे भी चलें अपने कहानी पे, तो कहानी में हमने क्या देखा, सबसे पहले जो कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है एक पेड़ था वह लड़के को बहुत प्यार करता था। यहाँ हमारी गलती हो रही थी, सबसे पहला है कि पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था। कहानी में सबसे पहला लाइन है वह छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था, तो जरा इसको सुधार लेते हैं, मुझे भी गलत लग रहा था। ये है पहला। दूसरा है लड़का रोज पास आता था, तो इसका क्रम हमारा गलत हो गया था। सबसे पहला है पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, ये इसका क्रम संख्या पहला और एक दूसरा। ये कैसे हमने सही किया इसको, आप पाठ्य पुस्तक पे जाइए और आप देखेंगे कि पहले ही पेज नंबर 6 पे जो कहानी की पहली लाइन है उसी में ये बताया था, एक पेड़ था वह एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। तो हमारा यही पहला क्रम होना चाहिए था, पेड़ लड़के से बहुत प्यार करता था, इसलिए हमने इसे पहला क्रम लिखा है। लड़का रोज पेड़ के पास आता था, ये दूसरी पंक्ति थी, दूसरी पंक्ति में लिखा लड़का रोज पेड़ के पास आता था। देखिएगा एक ही लाइन में केवल आगे पीछे होने से ही क्रम संख्या बदल गया। तो जब भी हम कहानी पढ़ते हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, हमें पहले ही वाक्य में दोनों क्रम संख्या आ गई। दानी पेड़ का जो पाठ है उसकी पहली जो लाइन है उसमें ही ये दोनों क्रम संख्या लिखी थी और हम इसमें गलती कर सकते थे, आगे पीछे गलत हो सकता था। तो अब फिर से देखते हैं इसको, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, ये पहला क्रम है। उसके बाद दूसरा है लड़का रोज पेड़ के पास आता था, तीसरा है युवक सारे फल तोड़कर ले गया, ये तीसरा था। चौथा है युवक पेड़ की शाखाएं काट कर ले गया, ये चौथा था। आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई, ये पांचवा वाक्य था। और अंत वाला जो है बूढ़ा आदमी फूट पर बैठ कर सुस्ताने लगा। तो ये था हमारा क्रम बद हमने कर दिया। ये अगर हमने कहानी पढ़ी है तो हम इस तरह के प्रश्न जो है आसानी से कर सकते हैं। तो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई, तो जिस बच्चे ने कहानी पढ़ी है समझी है वही इसका उत्तर दे सकता है। अब आगे चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, इससे भी पाठ के बोध का पता चलता है कि जो आपने एक कहानी पढ़ी है उसको आपको समझ आई है कि नहीं आई है। तो सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो कौन कौन सी चीज़ है, लड़के ने पेड़ की, पहला है बहुविकल्पी प्रश्न है ये, तो एक बार इसको आपने नोट कर ही लिया है, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, इसे साथ का साथ ही बुक में करते भी जाना है। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, पहला है पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, लड़का रोज पेड़ के पास आता, तीसरा है युवक सारे फल तोड़कर ले गया, चौथा क्रम है युवक पेड़ की शाखाएं काट कर ले गया, पांचवा आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई, और छठा और अंतिम वाक्य है बूढ़ा आदमी ऊंट पर बैठकर सुस्ताने लगा। तो दूसरे प्रश्न के बाद अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ,
सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही का निशान या हम टिक बोलते हैं लगाओ। और आपको पता ही है ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें एक से अधिक विकल्प दिए गए हैं और हमें ये पहचानना है कि कौन इसका सही विकल्प है। चार चार विकल्प दिए गए, परीक्षा में भी आता है बहुविकल्पी प्रश्न, तो इस तरह का ही प्रश्न देखते हैं। पहला क है, प्रश्न क, लड़के ने पेड़ की शाखाएं काट ली, लड़के ने पेड़ की शाखाएं काट ली, शाखाएं काट ली, अब इसमें कौन कौन सा विकल्प दिया है, शाखा को उसने क्या बनाया था। हमारा पहला विकल्प है नाव बनाने के लिए, पहला विकल्प है नाव बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए दूसरा विकल्प है घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए तीसरा विकल्प है पैसे बनाने के लिए और चौथा विकल्प है गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए तो हमें पता ही है कि जब वो लड़का आया था तो उसने आके बताया था कि वह शादी करने जा रहा और उसे घर की ज़रूरत होगी। हमने देखा था जब वो लड़का आता है और पहली बार तो उसे वस्तु खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, उसे बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी थी जिसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, तब पेड़ ने फल दिया था। लेकिन जब दूसरी बार आता है तो लड़के ने कहा था उसकी शादी होने वाली है, उसको एक घर की ज़रूरत है, तब पेड़ ने कहा था कि तुम, मैं घर तो नहीं दे सकता, हाँ अपनी शाखाएं मैं दे सकता हूँ, आप उसे काट कर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा ले। तो लड़के ने पेड़ की शाखाएं काट ली थी, तो हमें पता था नाव बनवाने के लिए नहीं था, घर बनाने के लिए था, और उसको कोई गाड़ी नहीं खरीदनी थी, कहीं नहीं लिखा है। पैसे बनाने के लिए तो उसने फल बेचे थे, जब पैसे बनाना था उसको, पैसे चाहिए थे, तब फल बेचा था। तो सही विकल्प है
घर बनाने के लिए, तो सही विकल्प है घर बनाने के लिए, इसे साथ साथ करते जाएंगे। तो ये हमें पाठ से पता चला, इसके अंदर गलती होने का की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ की शाखाएं काटकर उसने घर बनाया, तना काटकर उसने नाव बनाई थी, हमें पता है, और फल बेचकर पैसे कमाए थे। तो ये तीन चीज़ हमें दी गई थी, ये नहीं दी, गाड़ी खरीदने के लिए ऐसी बात कहीं भी हमारे कहानी में नहीं थी। तो हमारा सही विकल्प है लड़के ने पेड़ की शाखाएं काट ली, सही विकल्प है घर बनाने के लिए। दूसरा है हमारा प्रश्न, आदमी को नाव की जरूरत क्यों थी? आदमी को नाव की जरूरत, नाव की जरूरत जरूरत क्यों थी? ये पाठ में बताया था जरूरत क्यों थी। विकल्प भी दे रखे हैं कौन कौन से, ये प्रश्नवाचक थी। पहला विकल्प हमारा दे रखा है नदी पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए, पार करने के लिए दूसरा विकल्प हमें दे रखा है सैर करने के लिए, सैर करने के लिए तीसरा विकल्प है मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने के लिए, और उसके बाद में है समुद्र पार करने के लिए, फोर्थ है समुद्र पार करने के लिए तो कुल हमारे चार विकल्प कौन कौन से हैं। तो पाठ के अनुसार हमें पता था आदमी को नाव पकड़ने, अरे आदमी को नाव की जरूरत क्यों थी, हमें पता है वह क्या करने वाला था, नाव से उसे मछली पकड़ना था। जब वो अधेड़ उम्र का हो गया था, वह फिर उसके पास आया, उसने कहा मुझे एक नाव की जरूरत है, उसे पता ही था तो नाव किस लिए उसे चाहिए थी, उसने उसका कारण भी बताया था पाठ में कि वह उसे नाव चाहिए क्योंकि वह उसे मछली पकड़ना चाहता है, नाव होनी जरूरी थी क्योंकि नाव पे ही बैठ के वह मछली पकड़ना चाहता था। तो कहीं नदी पार करने का जिक्र हमारी कहानी में नहीं था, सैर करने के लिए उसने नहीं कहा था, और न ही ऐसा कोई था समुद्र पार करने के लिए। वो तो काफ़ी वृद्ध हो चुका था, अधेड़ उम्र की हो गया था। तो इस कारण से हम कहेंगे कि सही विकल्प है मछली पकड़ने के, वो मछली का शिकार करना चाहता था और नाव इसके लिए उसके किसकी ज़रूरत थी, नाव की। तो पेड़ से तना काटकर उसने नाव बनाई थी, ये हमें पता चल गया।
तो सही विकल्प से मछली पकड़ने के लिए, और एक हम सही का निशान लगा रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ख प्रश्न, आदमी को नाव की जरूरत क्यों थी? नदी पार करने के लिए ये गलत विकल्प है, सैर करने के लिए ऐसी बात भी नहीं, सैर करने के लिए कहीं नहीं कहा गया है। मछली पकड़ने के लिए सही विकल्प है, क्योंकि उस आदमी ने पेड़ को भी यही बताया था कि उसे नाव चाहिए, क्योंकि वह मछली का शिकार करना चाहता है, मछली पकड़ने जाना चाहता है नाव पे। समुद्र पार करने के लिए ये गलत विकल्प है, ऐसा कोई चीज़ पाठ में नहीं आया। ये हमारा ख भाग हो गया। एक और हमारा प्रश्न बचा है ग, उसको हम कर लेते हैं। ग, ग है, लड़के ने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए, लड़के ने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए, सारे फल तोड़ लिए, उसका कारण हमें बताना है। चार विकल्प में उसका कारण दिया गया है, कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प दे रखा है खाने के लिए, खाने के लिए। दूसरा है विकल्प हमारा जमा करने के लिए, फल को जमा करना चाहता था, जमा करने के लिए। तो हमें सही कारण बताना है, वो फल को जमा करना चाहता था या फल को खाना चाहता था? तो सारे फल तो तोड़ता नहीं, सारे तो उसे खाने नहीं थे। तीसरा है चीजें खरीदने के लिए, चीजें खरीदने के लिए, चीजें खरीदने के लिए। और चौथा और अंतिम विकल्प है पैसे के लिए, पैसे के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? हम जानते थे लड़के ने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए थे, किस लिए? उसे चीजें खरीदनी थी, लेकिन सही विकल्प है पैसे के लिए, पैसे से ही उसे चीज खरीदनी थी, उसे ढेर सारे पैसे चाहिए थे, क्योंकि वह चीज़ें खरीदना चाहता था। हमारी कहानी में भी ये लिखा हुआ है कि लड़के का उद्देश्य क्या था, वो बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था, इसीलिए वह आया था, उसको पैसे की ज़रूरत थी। कारण क्या था? उन्हीं पैसों से वो चीज़ें खरीदता। तो सही विकल्प है पैसे के लिए। तो कभी कभी देखने से लगता है चीज़ें खरीदने के लिए नहीं, फल से चीज़ नहीं खरीदता, फल से बेच करके पैसे आते, पैसे से वो चीज़ खरीदता, तो खाने के लिए नहीं। ये गलत, कौन कौन विकल्प गलत हैं? पहला वाला खाने के लिए नहीं, खाने के लिए वो पेड़ के सारे फल क्यों तोड़ता? दो चार फल से ही उसका काम चल जाता, तो ये गलत है। खाने के लिए, जमा करने के लिए, अरे फल जमा करके क्या करेगा, फल तो खराब हो जाता, तो ये विकल्प भी गलत है। चीज़ें खरीदने के लिए नहीं, ये गलत है, पैसे के लिए, पैसे आते तो चीज़ें खरीदता। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम अपना शेष अगला प्रश्न करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही।